दोनों हाथों को उठा के बोलो हालेलुया, हालेलुया। तीन बार बोलो हालेलुया। परमेश्वर की जीवित हजूरी में आपका स्वागत है सबका। ताड़ी बजाकर धन्यवाद करो सब जन परमेश्वर। हालेलुया। अपने स्थानों पर बैठो सब जन, अपनी बाइबल को अपने हाथों में ले लो और बोलो परमेश्वर तेरा वचन जो मेरे जीने का आधार है, मेरी लाइफ इस वचन के ऊपर टिकी है। परमेश्वर आपने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। और वही वचन आप सुनने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, और वही वचन आपकी आत्मा में, आपकी स्पिरिट में आपको फलवंत करेगा, आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मांगो सब जन उसी आवाज से प्रार्थना करो। बोलो आज का वचन मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में काम करे प्रभु। प्रभु ने कहा धन्य वो जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। उसके वचन को सुनना और मानना ये बड़ी बात है। एक दो दिन सुनना ये बड़ी बात नहीं, लगातार सुनते रहना और मानना ये बड़ी बात है। अपने बाइबल को अपने माथे पर लगाओ और बोलो प्रभु मैं जब इसे सुनूं मुझे समझ में आए तेरे वचन। अपनी आंखें बंद करो, इधर उधर ना देखो। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपको फ्री करे, चंगा करे बीमारियों से, रोगों से, दुष्टात्माओं से, तो फिर अपना ध्यान जो है वचन के ऊपर लगाना है ताकि वचन के द्वारा आपका छुटकारा हो। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं सब जन, बोलो आमीन हालेलुया। क्या आप लोग तैयार है वचन को सुनने के लिए? कितने लोग बाइबल के साथ आए? आप ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु के नाम में कि इस टाइम इन अंत के दिनों में बाइबल आपके पास है। आप बच जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप और आपकी फैमिली बच जाएगी, सेफ हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। क्योंकि ये बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में ये वचन आपको मिलेगा नहीं, लेकिन अब जिसने इसको अपने इस वचन को अपने हृदय में, अपने दिल दिमाग में रखा है, यही वचन आपको सेफ रखेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। अगर आप इससे प्रेम करते हैं, बाइबल में लिखा जो वचन से प्यार करता है वो परमेश्वर से प्यार करता है। हालेलुया। क्या आप तैयार हो? गर्मी देखा गट्टी लेते नहीं हुए? तारीफ करो जोर से परमेश्वर। चार्ज लग रहे हैं आप। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि जो वचन को सुनकर उत्तम मन के साथ संभाल के रखता है वो 100 गुना फल पाता है। आपके बढ़ने का कारण, आपके ब्लेस होने का, अगले लेवल में जाने का जो मेन जो है वो वचन है। हीलिंग जो है, जब आपके बीच में बड़े काम होते हैं, हीलिंग्स होती हैं, चंगाइयां होती हैं, लोग डिलीवर होते हैं, वो आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए है कि आप विश्वास करें प्रभु के ऊपर और उसके वचनों को पूरा करें। अगर एक व्यक्ति चंगाई लेने के बाद अगर वचनों को फॉलो ना करे, चंगाई तो उसको मिल जाएगी लेकिन वो ब्लेसिंग, वो बरकत, वो आशीष, वो फाइनेंस, वो आगे बढ़ना वो उसे नहीं मिल सकता। कितने मेरी बात को समझ रहे? प्रभु रोटी देना बंद नहीं करेगा आपको। जब आप प्रभु को नहीं जान दे रहे तब भी रोटी
कपड़े सब मिलता था, लेकिन जो वचन को सुनता और मानता है प्रभु से अप लेवल की ग्रेस देता है, जो आपकी समझ आपके दिल दिमाग में नहीं है ऐसा परमेश्वर की लाइफ में करता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप प्रभु के वचन से प्यार करेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं आज? क्या प्रभु के वचन से प्यार करते हैं? क्या रोज बाइबल पढ़ते हैं? क्या प्रभु को अपना समय देते हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं इन दिनों में आप सेफ हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, क्योंकि इस समय जितनी वचन की जरूरत है आपको, कलीसियाओं को, क्योंकि पंजाब में जो है कलीसियाएं जो हैं वो बढ़ रही हैं हर जगह पर, लेकिन वचन जो है वो कोई कोई पढ़ता है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जो है वो कोई कोई है। हर बंदा पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है, हर बंदे को होली स्पिरिट नहीं छू रहा, लेकिन कईयों को छू रहा है। कईयों को पवित्र आत्मा के बारे में मालूम ही नहीं है कि पवित्र आत्मा क्या है। कितने समझ है मेरी बात? और अगर आप वचनों को समझेंगे तो आपकी स्पिरिट ओपन होगी। आपको मालूम है जब आप वचन को पढ़ते हैं आपकी दिमाग की कुछ ऐसी नसें हैं जो खुली नहीं है, जो साइंस भी बोलती है कि पढ़ने से, स्टडी करने से आपकी दिमाग की कुछ ऐसी नसें हैं जो ओपन नहीं हुई। और आप जब परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं आपका दिमाग खुलता है, प्रभु रेवलेशन के द्वारा, प्रकाश के द्वारा आपसे बात करता है, और आप अपनी बीमारी को छोड़कर परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान लगाते हैं, और यही बात आपको ताकत देती है आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। और जब वचन ही नहीं मालूम क्या करना क्या है, जाना किधर को है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? वर्ड ऑफ गॉड। सबसे पहले जब आप चर्च में आते हैं पहला पार्ट क्या है? धन्यवाद करना, स्तुति करना, वर्शिप करना। अगर एक बंदे ने वर्शिप नहीं की पूरा हफ्ता वो चार्ज नहीं रहेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? संडे जो वर्शिप होती है अगर आप उस वर्शिप में शामिल होते हैं, आराधना करते हैं, आपकी स्पिरिट खुलती है, उसके बाद वचन होता है, आप वचन को समझ पाते हैं और वचन आपके हृदय और दिमाग में बैठ जाता है और शैतान उसे चुरा नहीं पाता। क्योंकि बाइबल में लिखा चोर आया चोरी करने, घात करने। क्या चोरी करने के लिए आया? वो आपका सुख, आनंद, और खत्म कैसे करेगा वो इस चीजों को? वचन को चुरा के। कितने समझ रहे मेरी बात? जब आपके हृदय में वचन नहीं होगा, दिमाग में वचन नहीं होगा कि आज का वचन क्या हुआ, इसी चर्च का वचन आपकी लाइफ में काम करेगा। मैं हमेशा आपको बोलता हूं, चाहे आप हजारों वचन सुन लो यूट्यूब के ऊपर जाकर, एक भी काम नहीं करेगा। मैं किसी को नहीं सुनता हूं, कुछ को सुनता हूं बस। अगर आप लगातार ऐसे यूट्यूब पर जाएं और वचन निकालें कि ये वचन में क्या लिखा है, वो फलाना क्या बोल रहा है, फलाना क्या बोल रहा है, एक भी आपके दिमाग में नहीं आएगा। हालेलुया। जो कुछ आप पढ़ते हैं खुद वो परमेश्वर आपसे बात करता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं ये मैंने प्रार्थना करके प्रभु से पाया और प्रभु ने मुझसे बात की है और आप सुन रहे हैं। अब जब आप सुनकर खुद पढ़ेंगे प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा वचन के द्वारा और आप ब्लेस होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कितने समझ रहे मेरी बात को? अब जितने प्रीचर्स को सुनते हैं, जितने पास्टर्स को सुनते हैं, वो होली स्पिरिट ने उनसे बात की। समझ आ रही मेरी बात? लेकिन आपने वचन नहीं पढ़ा। अगर ऐसा होता तो फिर पतरस ने कहा प्रभु मैं पानी के ऊपर चलना चाहता हूं। वो प्रभु ने पतरस से कहा कि आ मेरी ओर चलता हो, आ देखकर आ, वो पानी के ऊपर चलने लगा। चला या नहीं चला? चला ना पानी के ऊपर। अगर आज एक बंदा कहे कि परमेश्वर तूने पतरस को चलाया तो मैं भी समुद्र के किनारे जाकर पानी के ऊपर चलकर देखता हूं, वो डूब जाएगा और मर जाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि प्रभु ने उससे नहीं कहा। आप जब बाइबल को पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा आपको समझाता है, सिखाता है तुझे करना क्या है, जाना किधर को है। एक वचन मेरे साथ निकालो सब जन। लुका की पुस्तक उसकी 8 उसकी 4 में लिखा जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे तो उसने दृष्टांत में कहा एक बोने वाला बीज बोने निकला,
बोते हुए मार्ग के किनारे गिरा और रोदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा, कुछ उपजा, परंतु तरी ना मिलने से सूख गया। वो कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। अपनी बाइबल की ओर देखो सब जन। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उग कर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वे सुन ले। जैसे प्रभु आज भी आपको बोल रहा है, जिसके पास सुनने के कान हैं वो आज वचन को सुने। उसके चेलों ने उसे पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है। उसने कहा, तुमको परमेश्वर के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांत में सुनाया जाता है। 11 में पढ़ेंगे, दृष्टांत का अर्थ यह है कि बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने वचन सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। सब जन बोलो हालेलुया। क्या करता है शैतान? बीज होने वाला क्या है? बीज क्या है? सबसे पहले बीज परमेश्वर का वचन है जो आज आपको दिया जा रहा है। समझ आ गई इतनी बात? जो आज आप सुन रहे हैं ये वचन जो है, ये बीज है जो आज आपके आपके अंदर डाला जा रहा है, ताकि आप वचन को समझें। और मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? क्योंकि वचन के द्वारा ही विश्वास आता है, और वचन के द्वारा ही आप उद्धार प्राप्त करते हैं। वचन को सुनने के बाद ही आपका छुटकारा होता है। वचन को सुनने के बाद ही आपके आप बीमारियों से आजाद होते हैं। बाइबल में लिखा, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचनों से होता है। अपने पड़ोसी को बोलो, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से होता है। वहां पर यह लिखा हुआ है कि विश्वास कोई कहानी पढ़ने से या चुटकुले पढ़ने से बढ़ता है। वहां पर लिखा, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से होता है। आज आप किससे सुन रहे हैं? परमेश्वर के वचनों में से सुन रहे हैं। आपका विश्वास कैसे बढ़ेगा? जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं आज। हालेलुया। तो बीज बोने वाला निकला, उसने बीज डाला, ऐसे बीज डाला, और कुछ बीज जो थे वो झाड़ियों पर गिर गए, कोई चट्टान पर गिर गए, और वैसा वैसा फल लेकर आए। आपने इस दृष्टांत को पढ़ा होगा जो बाइबल को पढ़ते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे? और शैतान क्या करता है? जो मार्ग के किनारे के हैं वो सुनते तो हैं वचन को, लेकिन शैतान क्या करता है? उस वचन को चुरा के ले जाता है, कहीं वो विश्वास ना करें, विश्वास कर उद्धार को प्राप्त ना करें। कितने मेरी बात को समझ रहे? अब इसके साथ एक आयत निकालो, मरकुस की पुस्तक 16 उसकी 16 निकालो साथ में जल्दी से। और ये परमेश्वर का वचन यहां पर लिखा है कि जो विश्वास करे वो क्या करे? बैप्टिस्मा ले, उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। हालेलुया। समझ आई मेरी बात या नहीं आई? अब ये वचन मैच कर रहा है इसके साथ। वहां पर लिखा है कि शैतान जो है वचन को चुरा के ले जाता है, कहीं लोग विश्वास कि आज जो संडे का जो वचन आपने सुना है आपके दिल दिमाग से वो चुरा के ले जाता है। अब यहां से वचन सुनते हैं और बाहर जाकर आपको मालूम नहीं होता कि अब याद नहीं रख सकते। कितने मेरी बात को समझ रहे? इसलिए जो बाइबल और पेन जो कॉपी आप अपने पास रखते हैं, आप नोट करते हैं, जब वचनों को लिखते हैं उस आयत को कि आज का वचन क्या है, आप डेट डालते हैं आज की मीटिंग का वचन क्या है। और जब आप आगे बढ़ते हैं अपने क्रिश्चियन लाइफ में, जब घर में जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, आपको परमेश्वर उसी वचन के द्वारा आपसे बात करता है और आप कभी भी पाप नहीं करते। इसलिए दाऊद बोलता है कि मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। कितने मेरी बात को समझ रहे? दाऊद ने परमेश्वर से क्वेश्चन किया, जवान अपनी जवानी को कैसे संभाल के रखे? परमेश्वर ने कहा, मेरे वचन के द्वारा। बोलो अपने पड़ोसी से कि परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया।
जवान अपनी जवानी को कैसे संभाल के रखे, परमेश्वर के वचन के द्वारा। मान लो कि आज एक जवान बैठा है और वो वचनों को सुन रहा है, वो पाप में है, और परमेश्वर के वचन में लिखा कि जो विश्वास करे वो क्या करे, मुंह से बोलो बैप्टिस्मा ले। लेकिन शैतान की प्लानिंग क्या रहती है कि वो वचन को चुरा के लेके जाता है ताकि कोई जो है ये किसी के दिल में दिमाग में ये बीज काम ना कर जाए। अगर एक के दिल में दिमाग में भी बीज काम कर गया, ये पूरी दुनिया बदल देगा, अपने परिवार को बदल देगा, अपने एरिया को बदल देगा। इसलिए वो वचन से फाइट करता है। कितने मेरी बात को समझने, अगर आपको एक भी वचन समझ में आ गया आज का, तो मैं आपको बताना चाहता हूं एक वचन ने ही मेरी लाइफ बदली। एक वचन के द्वारा आज मैं प्रचार कर रहा हूं। एक वचन के द्वारा जो मुझे वचन दिया गया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, इसी वचन को लेकर आज मेरी लाइफ बदल चुकी है। मैं तोबा कर चुका हूं, बपतिस्मा ले चुका हूं और सेवा कर रहा हूं और आपको वचन दे रहा हूं। और अगर एक बच गया वो पूरे परिवार को चेंज करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और शैतान इसी चीज की फाइट करता है कि आप चर्च में आओ, सिर्फ आपका ध्यान किसके ऊपर रहे, हीलिंग के ऊपर रहे। आपका ध्यान किसके ऊपर रहे, मेरा वीजा आ जाए जी। आपका ध्यान किसके ऊपर रहे, मेरी ये दर्द खत्म हो जाए जी। आपका ध्यान किसके ऊपर रहे, मेरे फादर चंगे हो जाए जी, मुझे जॉब मिल जाए, सरकारी जॉब मिल जाए। उसको मालूम है कि जो वचन आज जो सुनाया जा रहा है, जो बीज फेंका जा रहा है, वो इसके सर के ऊपर से निकल रहा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। देखो अपनी बाइबल की ओर, लुका 8 उसकी 5। एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा। मार्ग वाले कौन से लोग हैं, जो वचन को सुनते हैं। जैसे 11-12 में लिखा, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने वचन सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार को प्राप्त करें। हालेलुया। क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप विश्वास करें। आप आज 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 जो गवाहियां आपने सुनी है, वो नहीं चाहता कि आप उस गवाही पर विश्वास करें। आप ये डाउट करते रहे, ये झूठी गवाही है, क्या ये सच है या असली है, आपके मन में ये चलता रहे और आप पूरी तरह वचन की पकड़ को पकड़ ना सके। लेकिन जो उत्तम मन के साथ वचन को सुनता है और संभाल के रखता है, उन वचनों को लिखता है, अपने हृदय में रखता है, वो विश्वासी कभी भी आम नहीं रहता, वो खास बनकर बढ़ता है, फलवंत तो होता है, गवाही के साथ इज़्ज़ा पर खड़ा होता है यीशु मसीह के नाम में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। आप एक फैसला कर लो आज, क्या आपने आम से विश्वासी रहना है, क्या आप खास बनना चाहते हैं, कितने खास बनना चाहते हैं परमेश्वर के लिए, कितने फेवरेट बनना चाहते हैं। हालेलुया। तो फेवरेट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा। दाऊद क्या था, परमेश्वर का फेवरेट था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं, फेवरेट था या नहीं। प्रभु ने कहा ना, मेरे दिल के अनुसार वो व्यक्ति मुझे मिल गया है। मतलब वो परमेश्वर का क्या था, फेवरेट, प्रभु से पसंद करता था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। तो फेवरेट बनने के लिए आपको वचन को टाइम देना पड़ेगा। आज एक हर बंदा बोलता कि मेरी चंगाई हो जाए। मैंने कल एक बंदे को वचन दिया, मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी वचन देने की, मैं सचरे वाले दिन किसी से बात नहीं करता, पर प्रभु की प्लानिंग थी और वो व्यक्ति मुझे अचानक से मिल गया। मैंने थोड़ा सा शुरू किया और उसके बाद फिर कंट्रोल नहीं होता। आपको मालूम है जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, जब वो वचन को देता है तो हम जितना मर्जी कंट्रोल करें, हम एक बार पकड़ते कि बस उन्हें कस दिए पूरी तरह। फिर कितनों को समझ आई, जो ढीले लोग होते बोलते हाँ जी चर्च जाने हैं आप, लेकिन जो पवित्र आत्मा से भरा बोलता कि नप दिए पूरी तरह, उन बस जान नहीं देना कि। कितनों को समझ आ रही मेरी बात। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मैं प्रभु में आया, एक लड़के ने मुझे प्रचार देना, रोज वचन देना मुझे, मैंने अपने काम के ऊपर होना और उसने मुझे रोज वचन देना। और मेरे एक टीचर था सर, उसने मुझे बोला, उसने शॉर्ट में उसे बताया कि इन्हू बस उन्होंने कवर कर ला, बस नप दे इन्हू बस। मुझे समझ नहीं आई ये बात कि क्या बोला उसने। उसने शॉर्ट में बोला कि बस उन जानना दे इन्हू। वही उस वचन जो मेरे हृदय में बन गया। आज भी वो बंदा वो बूढ़ा हो चुका है पूरी तरह, काफी बुजुर्ग हो गए वो सर,
लेकिन मैं उनको बोला कि मैंने अपने हाथों से हजारों लोगों को बपतिस्मा दे दिया है, अगर आपने मुझे वचन ना दिया होता तो शायद मैं यहां पर ना होता। कितने मेरी बात को समझ रहे? इसलिए फिर जब मछली पकड़ते हैं ना मछली, तो हमें मालूम होता है मछली पकड़नी कैसी है, जाल फेंकना कैसे, इन्हें छटना आनी उन मछली ने। तब मैंने पूरा उसको वचन दिया, सुनाया उसे वचन पूरी तरह, और वचन सुनते सुनते वो अपने वचन को अपने हृदय में नहीं ले रहा था। वो ये सोच रहा था कि मैं चर्च में आऊंगा, मुझे जगह मिल जाएगी चर्च में बैठने के लिए, आप उसे मुझे मिल लेंगे वहां पर। मैंने कहा मुझे मिलने से रहने से, तू चर्च में सिर्फ एंटर कर, तेरा हल हो जाएगा, तू वचनों को सुनना है। लेकिन वचन को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। कितने मेरी बात को समझ, सब बोलते कि मेरा हल हो जाए, हल जो है ना वो वचन से निकलना है। आई समझ नहीं आई? अगर आप किसी को वचन देते ना, वो कहता हाँ ठीक है, अच्छा उठे जान दे नाल इदा हो जाएगा। उसने बोला कि तुसी मेरी ले हैंड कार्ड बना लो, वो मेनू कही जाता कि टीम नू कह दो कि बनवा लो ले हैंड। मैं कहा यार तू चर्च में आ, पहले तू चर्च दे विच आ, किन्नी बारी आना पड़ेगा, किन्नी बारी ले हैंड करवाना पड़ेगा। ऐसी बातें अन्य जाति लोग नहीं जानते परमेश्वर के वचन को, हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा आपको बुद्धि देता है कि आपने कैसे काम करना है, और जो वचन आपके हृदय में होगा आप बुद्धि के साथ पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर उत्तर देंगे। मैंने उसको बोला ले हैंड करवाने से भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक बंदा मान लो कि उसके बच्चा चल नहीं पा रहा और सीधा डायरेक्टली उसे लेकर ले हैंड में खड़ा कर दिया, अगर वो ना चली तो वो बंदा चर्च में आएगा कभी फिर? क्योंकि वो क्या सुनकर आया था कि चंगाई हो जाएगी। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? जो बहनें ध्यान से सुनो वचनों को, वचन फिर बाद में रोना नहीं है कि मेरी यहां प्रॉब्लम आ जी, मेरी यहां प्रॉब्लम, हम मसला हल नहीं हो रहा। अभी टाइम है वचन को सुनने का। प्रभु ने कहा जिसके पास सुनने के कान है वो ध्यान से वचनों को सुने। बाद में वो लोग रोते नहीं है, रोते पता कौन लोग है, जो वचन को सुनते नहीं है, जिनको मालूम नहीं होता करना क्या है, कैसे हल करना है। लेकिन जो वचन को सुनते और मानते और पढ़ते हैं वो उनको मालूम है कि मैं ऐसे हल कैसे करना है, मैंने मानना कैसे। और शैतान की यही प्लानिंग रहती है कि वो वचन को चुरा के लेकर जाए। हर संडे का वचन अगर आपकी कॉपी के ऊपर लिखा हुआ है, मैं आपको बोलता हूं सोते वक्त, चलते फिरते वक्त, बैठते वक्त, खाते पीते वक्त भी परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा और आप पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे, चार्ज रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप सुबह का खाना खाते हैं या नहीं खाते हैं? ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर दोपहर का खाना खाते हैं, फिर रात को खाते हैं। आप अपनी बॉडी को खुराक देते हैं, उससे भी ज्यादा जरूरी है अपनी आत्मा को खुराक देनी। अगर आत्मा की खुराक आप नहीं दे रहे, और आत्मा की खुराक क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हर एक वो वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है मनुष्य से जीवित रहेगा। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे? आज आप जैसे जैसे वचनों को सुन रहे हैं आपकी बॉडी ताकत प्राप्त कर रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपको वचन के ऊपर ध्यान देना है। वचन वाली कलीसिया कभी हिलेगी नहीं। हालेलुया। मैं आपको केवल वचन नहीं दे रहा हूं कि वचन वचन जी, हीलिंग कुछ नहीं होती, मैं सब कुछ आपको दे रहा हूं। आपको बैलेंस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वचन चाहिए। अगर एक बंदे ने यहां पर बंदे को देखा हील्ड होते हुए, उसके बाद उसे वचन चाहिए। अगर एक बंदे ने गवाही दी कि मेरी रिपोर्ट चेंज हो गई, उसके बाद उसको वचन चाहिए। अगर वचन नहीं मिलेगा, दूसरी जब बीमारियां आएंगी, समस्या आएंगी, वो प्रभु को छोड़ देगा। समझ आ रही मेरी बात या नहीं आ रही? आपको मजबूत कौन करता है? परमेश्वर का वचन। लोग चर्च में पता कैसे आते हैं? चलो चर्च हाजिरी भर लेने जाके, मत्था टेकाने जाके, कुछ लोग बाहर से ऐसे कर कर आ जाते हैं। चलो जी, वो क्रिश्चियन हमेशा रोते हैं, बीमारियों में रहते हैं, दुखों में रहते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन जो वचन के साथ भरे रहते हैं वो हमेशा ही चैलेंज को पार कर कर अगले लेवल में एंट्री मारते हुए गवाही के साथ यहां खड़े होते हैं शुभसी के नाम। हालेलुया। आपने लोगों के लिए क्या बैड एग्जाम्पल बनना है? अपने रिश्तेदारों के लिए क्या बैड एग्जाम्पल बनना है? थोड़ी सालों के बाद रिश्तेदार ताने मारेंगे, तेरी लाइफ में तो कुछ हुआ नहीं। इसलिए आपको रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट आएगा कैसे? परमेश्वर के वचन को सुनने से और मानने से। कितने मेरी बात को समझ रहे? प्रभु यीशु मसीह ने सबसे बड़ी बात कही। लोग उसे बोलने लगे कि धन्य है तू जिस गर्भ में तू रहा। लेकिन प्रभु ने कहा ठीक है, धन्य वो जो
परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। हालेलुया। सुनकर सुनते नहीं है, निकाल नहीं देते, इस कान से सुनकर इधर से निकालते नहीं है, सुनकर क्या करते हैं, मानते हैं। लेकिन आज मानना कोई भी नहीं चाहता, आज कोई भी नहीं चाहता उसके मानना। वो कहता कि डायरेक्टली काम हो जाए, मेरा पास शॉर्टकट तरीका होवे, कोई सिफारिश। मैं उस व्यक्ति से बात कर रहा हूं, बोल रहा कि कोई सिफारिश पुरुष हो जाएगी। मैं क्या प्रावा सिफारिश की, मैं चर्च का मेन फाउंडर मैं ही हूं, तुझसे बात कर रहा हूं, मैं ही चर्च का मेन फाउंडर हूं। अगर मैं तुझे बोल रहा हूं चर्च जा और प्रे लाइन, आप तुझे अपना नंबर दे दो मैनू पर्स। उसको तो चलो समझ नहीं है, लेकिन बात यह है हर बंदा अपना मसला हल करवाना चाहता है और प्रभु से प्यार नहीं करना चाहता, ना तो वचनों पर चलना चाहता है, ना चर्च में आना चाहता है, ना गर्मी में बैठना चाहता है। और बेटा कि बैठे बैठाए घर बैठे कड़ा बन जाए, तो गरम गरम कड़ा मेरे मुंह से पैजे, तो फिर की होएगा, जीभ सड़ेगी, सड़ेगी या नहीं सड़ेगी। इतने काले हैं लोग, इतने जल्दी में हैं लोग कि मेरा मसला हल हो जाए। मैंने बोला ऐसा करके तू 10 साल भी चर्च में जाता ना, प्रभु तब भी हल नहीं करेगा। प्रभु हमारे हृदय और गुर्दे को जानता है, इसके दिल में क्या है, इसके दिमाग में क्या है। कितने मेरी बात को समझ लें। अगर एक बंदा लालची है तो प्रभु उसके दिल को जानता है। ये लालची है, ये जॉब का लालची है, पैसे का लालची है, ये शोहरत चाहता है, दौलत चाहता है, वीजा चाहता है। प्रभु को पता ये मुझसे प्यार नहीं करता। कितने मेरी बात को समझ लें। प्रभु के पास एक व्यक्ति आया और बोला कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, तेरे वचनों को मैं फॉलो करता हूं। प्रभु ने कहा तू आज्ञाओं को मान। उसने बोला उधार पाने के लिए मैं क्या करूं। प्रभु ने बोला तू वचनों को पूरा कर, व्यभिचार ना कर, ये ना कर। वो बोलता ये तो मैं करता आया हूं। प्रभु ने कहा जा, अभी भी तुझमें कमी है, अपना आधा धन देकर कंगालों में बांट दे। तो मुंह लटकाकर चला गया उसको, क्योंकि वो बड़ा धनी था। प्रभु का काम करने के लिए दिलेरी चाहिए। हालेलुया। पैसा निकालने के लिए दिलेरी चाहिए, ताहित निकालने के लिए दिलेरी चाहिए। वो लोग बोलते हैं वचनों को सुनते भी हैं और ताहित निकालते नहीं। आप में से 50% लोग ऐसे हैं जो ताहित को नहीं निकालते, आपको खुद मालूम है। और आप सारी उम्र ये वेट करते रहोगे प्रभु कुछ रास्ता खोलेगा, असि प्रभु दे बंदे हैं, प्रभु कुछ करेगा। कुछ भी नहीं करेगा वो अपने वचन से ही सब कुछ करता है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। कुछ लोग बोलते मेरे को जो नौकरी होएगी तो मैं प्रभु के वचन पूरा करूंगा। इधर मतलब उस तो पहले तू वचन तोड़ता रहेगा। अगर तेरे पास जो थोड़ा है, अगर तू अपनी पॉकेट मनी से भी अपने ताइत को निकालता है और परमेश्वर के वचन को सुनकर मानता है, तो शैतान तेरी दिमाग से कभी वचन को चुरा के नहीं लेके जाएगा। वो वचन को तू अगर पूरा करता है, वो वचन तेरी लाइफ में जिंदा होकर तुझे गवाही के साथ खड़ा करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आप सारी उम्र गरीब के गरीब रहेंगे अगर आप ताइत नहीं निकालेंगे, अगर जिम्मेवारी नहीं लेंगे। आप बोलते मिन्नू कड़ा कोई देख रहा, अनाउंसमेंट होती है, मैं देता पवे ना दवा दे मिन्नू, कोई किसी ने पूछना थोड़ा है। लेकिन एक है जिसने वचन लिख दिया है कि ये ताइत मेरा है, तुम मेरी बनाई धरती पर रहता है। तो आप लोग बोलते मैं अपनी कमाई जो चुके दवा, मैं मेहनत की थी, मैं इतनी मेहनत करके खून पसीने का कमा के लै गया, मैं चर्च के बिच दवा। आप क्या कर रहे हैं, आप वचन को तोड़ रहे हैं। समझ आ रही है। उसमें ना तो मेरा कोई नुकसान हो रहा है, मैं आपके घर जाकर नहीं मांग रहा हूं जाकर। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप वचनों को तोड़ रहे हैं और अपना नुकसान कर रहे हैं, प्रभु का हिस्सा आप खा रहे हैं। इसलिए क्या है, जब वचन को विश्वासी सुनते नहीं ना है, उनको पता ना कि ताइत वाला वचन है, तो वो सुनते नहीं है। बोलते ये मेरे लिए नहीं है, दूसरे विश्वासियों के लिए। इसीलिए शैतान वो वचन उनके दिल से दिमाग से चुरा के लेके जाता है, तो वो वचन उनकी लाइफ में काम नहीं करता। लेकिन जो वचन को मानता है, जो वचन को सुनता है, वचन में लिखा प्रभु का सारे दशमांश मेरे भवन में ले आ, ऐसा करके मुझे परख के देख। प्रभु बोल रहा है आपसे, जो जमीन और आसमान का मालिक है, कि मुझे परख के देख, मैं आकाश के झरोखे खोल दूंगा, तेरे पास रखने के लिए जगह ना होगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लेकिन ये स्टेप उठाए कौन, डर लगता है। पैसा निकालते वक्त, वचन को पूरा करते वक्त डर लगता है, करें या ना करें। घर का सारा रेंट भी जाना है, अभी जाना है, अभी कपड़े भी खरीदने हैं, ब्याह भी आ गया इधर, एक दो महीने ताई दिया, उसके बाद फिर स्टॉप। कोई रिकॉर्ड नहीं है आपका परमेश्वर के सामने। और आप बोलेंगे प्रभु आपको फाइनेंशियली ब्लेस करेगा और वीजा देगा, कभी नहीं। अगर मिल भी गया
उस वीजे को लेकर आप आशीषित नहीं होंगे कभी भी। कितनों को समझ आ रही है मेरी बात? आगे क्या लिखा उसके आगे पढ़ो। और चट्टान पर के वे हैं जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। पढ़ो अपनी बाइबल में, दोबारा पढ़ो उसको। खुद पढ़ो। एक वचन निकालो मेरे साथ, कुलिसियों की पुस्तक एक उसकी 23 को पढ़ेंगे। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया, जिसका मैं पौलुस सेवक बना। सब जन बोलो आमीन, हालेलुया। अब यहां पर देखो क्या है, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। कितनों को समझ आ रही है? आनंद से विश्वास करने का मतलब क्या है कि जिन्होंने जल्दी जल्दी से विश्वास किया, जल्दी जल्दी विश्वास कर ये देखा कि हाँ वो मिरकल हुआ, वो हीलिंग हुई, इसलिए उन्होंने विश्वास कर लिया और जड़ नहीं पकड़ी प्रभु के वचन में। जड़ पकड़ना क्या है कि जो परमेश्वर ने काम किया उसको मनन करना, जैसे यहां पर लिखा कुलिसिया की पुस्तक में पौलुस बोल रहा है उसकी एक उसकी 23 में, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। कौन सी नींव? जब हम मकान उठाते हैं तो नींव डालते हैं ना, तो यहां पर विश्वास की नींव के बारे में बात की जा रही है। अगर आपने बढ़ना है प्रभु में, आपको विश्वास की नींव डालनी पड़ेगी। और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया है और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। सब जन बोलो आमीन। कौन सा सुसमाचार? जो आपको सुनाया गया था, जिस दिन आपने प्रभु के वचन को सुना, जिस दिन आपने विश्वास किया, जिस दिन बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, जिंदा परमेश्वर है, आपने तौबा की और बपतिस्मा लिया, उस बात को याद करके आगे बढ़ना और जड़ पकड़नी है प्रभु के वचन में से। अगर आप जड़ पकड़ेंगे, मजबूत बनेंगे, नींव डाल देंगे विश्वास की, तो शैतान आपको भरमार नहीं पाएगा कभी भी। अब प्रभु यीशु मसीह इतने मजबूत थे वचनों में कि वो जब शैतान सामने आया और बोला, हमेशा जब शैतान आपके सामने आएगा वचन लेकर आएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपसे ज्यादा वो वचनों को जानता है क्योंकि वो पुराना है, वो वचन को पढ़ता है खुद, उसे मालूम है कि वचन में क्या लिखा। इसलिए बाइबल में लिखा कि बहुत सारी ऐसी दुष्टात्माएं थी जो घुटना टेकती थी, बोलती परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र तेरा हमारे साथ क्या काम, मतलब प्रभु यीशु मसीह को वो जानती थी। हालेलुया। तो शैतान जानता है परमेश्वर के वचन को और बोला भरमाने के लिए कि तू पत्थरों से कहे कि रोटी बन जाए। अब प्रभु यीशु मसीह को भी वचन मालूम है, वचन के साथ फाइट जल्दी है। प्रभु ने बोला हर वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है मनुष्य उससे जीवित रहेगा। हालेलुया। कितने समझ है मेरी बात को? आपने क्या करना है, पहला काम क्या करना है? वचन को चुराने नहीं देना, वचन को अपने मन में, अपने दिल में, अपने दिमाग में रखना है। ये आप विश्वासियों के लिए आज मैं बात कर रहा हूं, जितने लोग जो सुन रहे हैं आज, जो चाहते हैं कि परमेश्वर को बढ़ाए और अगले लेवल में लेकर जाए। अगर आप बोर हो चुके हैं परमेश्वर के वचन से तो आप अपनी पुरानी लाइफ में जा चुके हैं। कितने समय है जिनको वचन सुनना पसंद नहीं है, वचन सुनते वक्त वासी आनी है, नींद आनी, ये शैतान की निशानी है कि वो बंदा शैतानी सर्कल में फंस चुका है। और जो वचन के टाइम में जिसको नींद नहीं आ रही, वो पूरे मन लगा के वचन को सुन रहा है, उसकी लाइफ में एक बड़ा मिरकल होने के लिए जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य सामर्थ्य नाम में अगर आमीन उछल लंबा। क्योंकि बाइबल में लिखा कि लुस्त्रा में पौलुस प्रचार कर रहा था, जो वचन दे रहा था, एक जन्म का लंगड़ा जो कभी नहीं चला, अपने पांव पर कभी खड़ा नहीं हुआ, पौलुस की ओर वचन को सुनकर
टकटकी लगाकर, मतलब एक चित होकर, एक मन से, एक टकटकी लगा के वचन को सुन रहा था। पौलुस ने देखा इसके अंदर विश्वास थे, उसने कहा अपने पांव पर खड़ा हो जा। वो अपने पांव पर खड़ा हुआ और चलने लग पड़ा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। और जो वचन पर मन लगाते हैं इसी तरह से मिरकल उनकी लाइफ में होते हैं। जो ये बोलते ना कि तो होएगा किदा होएगा, परमेश्वर करेगा या नहीं करेगा, मैं की करा है करा, कुछ नहीं है। वचन के बीच में से ही जाकर सब कुछ होगा। हालेलुया, कितनों को समझ आ रही है आज? आप पढ़ते हैं सीधा सीधा वचन को, कुछ मार के किनारे घिरे जड़ ना पक, सुनते तो हैं वचन को जैसे आज लोग सुन रहे हैं, लेकिन बाहर जाएंगे, बाहर उन्हें फोन आएगा उसके दोस्त का, हाँ भी कितना गाल काट के, वो गाल करेगा, वो दो गाना काट के सुनाएंगे, उनका दिमाग जो सब जो वचन है वो वॉश हो गया। लेकिन जो वचन को सुनते हैं मानते हैं, उनको मालूम है मैंने वचन सुना, इस बंदे का मैंने आज नंबर डिलीट करना है, ये जब मैं चर्च से बाहर निकलता हूं यही मुझे डिस्टर्ब करता है, ये मेरे माइंड को वॉश करता है। मैं क्या करता था, जब चर्च में जाना वचन को सुनना, किसी के साथ कोई बात नहीं करनी। वचन सुनने के बाद आपकी आत्मा शांत होती है, फायर से भरे होते हैं, चुप पर रहना है, चुप रहकर घर चले जाओ, अपने घर जाके प्रार्थना करो। वो ग्रेस जो चर्च की है आपके घर में काम करेगी, घर में बंधन टूटेंगे, शराब टूटेंगे। और शैतान क्या करता है, आप जब ऑटो में बैठते हैं तो फाइट किस बात से होती है, पैसों से, किराए से फाइट करवा देता है आपकी, कितना किराया है, आप लड़ने लग पड़ते हैं। आप जब घर जाते हैं तो घर जाकर आपका पति आपको तंग करता है, कोशिश करता है, बोलता है, विरोध करता है, और आप अपनी स्पिरिट को खराब करके लड़ना शुरू करते हैं। जो वचन हुआ वॉश, और आप बोलते हैं मैं 10 साल चर्च में जा रहा हूं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आएगा और 10 साल लगा लो भाई। अगर वचन को सुनकर मानेंगे और विश्वास करेंगे और पूरा करेंगे, उसे शांत रहेंगे, कोई विरोध कर रहा चुप रहो। आपको मालूम है आप मसे में से होकर आए और रिसीव करो, वही मसा उसको शांत करेगा, उसको बदलेगा, उसकी लाइफ बदलेगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा, हालेलुया। पहली बात क्या है, विश्वास करना। प्रभु ने कहा जो विश्वास करे वो क्या करे, बैपटिस्म ले उसी का उद्धार होगा। और शैतान नहीं चाहता कि या किसी का उद्धार हो, वो नहीं चाहता कोई बचे। अगर मैंने किसी को वचन दिया, चार बंदे आके उसे डिस्करेज करेंगे, ओ ये साईं होंदे आते बोल दे फलाना, ये वो फलाना कहते हैं, उसे डिस्करेज करेंगे। अब उसके ऊपर डिपेंड है कि वो वचन के ऊपर ध्यान लगाता है या परमेश्वर की आवाज को सुनता है या उसकी आवाज सुनता है। कितने समझ है मेरी बात को, जब मैं प्रभु में आया तो मुझे भी बहुत लोगों ने डिस्करेज किया कि वो इतना ही कहते होंगे आए, इन्हें पीछे ना लगो। लेकिन मैंने उनकी आवाज नहीं सुनी। पहले पहले मेरे मन में डाउट आया कि हो सकता है कि ये धर्म परिवर्तन करते हैं, ये फलाना ऐसे। लेकिन जब जब मैंने वचनों को पढ़ना स्टार्ट किया, प्रभु ने कहा मेरे नाम के कारण लोग तुझे सताएंगे, तुझे तंग करेंगे, तुम्हें ताना मारेंगे, विरोध करेंगे। ये वचन मुझे तसल्ली देते गए, मैं आगे बढ़ता गया प्रभु यीशु के नाम में, और आज तक बढ़ा हुआ यीशु मसीह के नाम में। मैंने लोगों को देखा, क्रिश्चियन लोगों को यहां पर गवाही देने के बाद फिर से उन्होंने माथा टेक दिया बाबे को। कितने मेरी बात को समझ रहे, यहां पर तोबा करके बपतिस्मा लेने के बाद, बड़ी हीलिंग लेने के बाद भी प्रभु को छोड़ दिया, क्योंकि वचन की कमी थी। समझ आई मेरी बात? जब वचन ही नहीं सुना तो लोग भरमाए जाते हैं, झूठ भी बोल देते हैं, जलसी भी करते हैं, बुरा काम भी करते हैं, सब काम करते हैं, क्योंकि वचन उनके हृदय में नहीं है। आप एक बार सच्चे दिल से वचन के साथ प्रार्थना करके देखो, और अपने शब्दों को छोड़ दो और वचन से प्रार्थना करो, आप ज्यादा सामर्थ फील करेंगे अपनी बॉडी में, अपनी स्पिरिट में, अपनी आत्मा में, ज्यादा फायर को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम। हालेलुया, कितने समर हैं आज। तो पौलुस यही बात बोल रहा है, समझा रहा है कलीसिया को कि जो यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो। विश्वास की नींव के ऊपर बने कैसे रहना है कि जब दुख आए सुख आए प्रभु को नहीं छोड़ना, बेबी है चाहे नहीं है बने रहना, ये सोचकर कि एक दिन मुझे सुसमाचार सुनाया गया था कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठाए, वो जिंदा परमेश्वर है, और वो लोगों के लिए जी उठानी है, वो मेरे लिए भी जी उठाए, प्रभु मुझे ब्लेस करेगा और आप बढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
हालेलुया। कितने समझ रहे इस बात को, क्या समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे? अगला वचन क्या है जो लास्ट, लुका 15 से पढ़ेंगे हम, पढ़ो 15 को पढ़ो, खुद पढ़ो अपनी बाइबल से। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन को सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। मतलब कि परमेश्वर के वचन की पालना करना इसमें यह है। इसके साथ निकालो रोमियो की पुस्तक 1:16। और साथ में निकालो याकूब 2:2। यहूना निकालो, यहूना 6:27। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देता है, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर शाप लगाई है। सबजन बोलो आमीन। 28 में लिखा, उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें, ये अलग है। यूहन्ना 15:1-8 को पढ़ेंगे हम। सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है नई फलती उसे वे काट डालता है और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फले। तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। कितने मेरी बात को समझ, यहां भाई वचन की बात आ रही है। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। 4 में लिखा, तुम मुझ में बने रहो मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो वे अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वे बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वे डाली के समान फेंक दिया जाता है, सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वे तुम्हारे लिए हो जाएगा। सबजन बोलो आमीन। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सारा फल लेकर आओ। हालेलुया। लास्ट वाला जो वचन है कि जो सही भूमि पर गिरा वो फल लेकर आया। प्रभु की मर्जी क्या है? आप फल लेकर आओ। आपने अपने जीवन को बदला, आपने अपने परिवार को छोड़ा, अपने दोस्तों को छोड़ा, अब प्रभु की मर्जी ये है कि तुम फल लेकर आओ, रिजल्ट लेकर आओ। अपने पड़ोसी को बोलो कि रिजल्ट लेकर आओ। अगर रिजल्ट नहीं होगा तो लोग ताने मारेंगे, बातें करेंगे, कुछ भी आपकी लाइफ में नहीं होगा। अगर रिजल्ट होगा, लोगों को दिखेगा, लोग प्रभु की ओर मुड़ेंगे, वो आपके परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे और चर्च में आएंगे, आपके द्वारा रूहें बचनी स्टार्ट होंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। केवल हीलिंग काम ही काफी नहीं है। एक बंदा वो भी है जो हीलिंग लेकर बैठा है आराम से, बस मेरा काम हो गया, मैनू किसी ना कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति वो जो हीलिंग लेने के बाद बोलता है, जिसने मुझे हीलिंग दी है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर को अधिक जानूं, क्यों ना वचनों में बढ़ूं, क्यों ना चर्च में जाऊं, क्यों ना वचन को सुनूं, क्यों ना वचन को पढ़ूं, उसे पर मनन करूं, तो वो फल लेकर आएगा। प्रभु ने कहा, जो डाली मुझ में बनी रहती है मैं उसे और छांटता हूं ताकि वो अधिक फल लेकर आ सके, और जो फल नहीं लाती मैं उसे आग में झोंकता हूं, वो जल के राख हो जाती है। समझ आई नहीं आई मेरी गल?
आपने फल लेकर आना है या नहीं आना है, इंसल्ट चाहिए या रिजल्ट चाहिए, लोगों के ताने सुनने या उन्हें उत्तर देना है अपनी सफलता के द्वारा। तो मसीह में आने का काम ये नहीं कि बस चर्च में आके तोबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, बस काफी है। उसके बाद आपकी आत्मिक लाइफ शुरू होती है जब आप बपतिस्मा लेते हैं। मैं लोगों को देखता हूं चर्च में आकर बैठे रहते हैं, बस सोने के जरिए कुछ पूछो ना की हुआ वचन, कुछ भी नहीं मालूम। तो वो बेचारे बेचारे लोग हैं बेचारे, किसी भी टाइम हमला हो सकता है उनके ऊपर, अटैक हो सकता है किसी भी टाइम। इसलिए चर्च का हर भी जो बंदा जो वॉलंटियर है ना, उसे भी वचन की जरूरत है। अगर वो यहां पर सेवा कर रहा है उसे वचन की जरूरत है। अगर वचन नहीं सुनेगा भरमाया जाएगा और अटैक का शिकार हो जाएगा वो। इतने मेरी बात को समझने, अगर बचना चाहते हैं तो वचन चाहिए। अपनी आंखें बंद करो, अपने हाथ उठाओ, बोलो परमेश्वर आज जो कुछ मैं सुन रहा हूं मैं फल लेकर आ सकूं और वो वचन मेरी लाइफ में पूरा हो। मैं वचन को सुनूं और मानूं, पालना करूं। आपकी इच्छा यही है। ऊंची आवाज में प्रार्थना करो, सब जन बोलो परमेश्वर वचन को सुनकर मानू, केवल सुनने वाला नहीं उस पर मनन करूं। विश्व के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सब जन बोलो आमीन। लुका की पुस्तक 8 उसकी 16 को पढ़ेंगे, लास्ट वचन। लुका की पुस्तक 8 उसकी 16, कोई दिया जलाकर बर्तन से नीचे नहीं डाकता ना काट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए प्रकट ना हो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसे वे भी ले लिया जाएगा, जिसका जिसे वे अपना समझता है। हालेलुया, कितने बात को समझ रहे हैं। जिसको परमेश्वर के वचन की ज्यादा समझ दी गई है, जो वचन पढ़ता है, जिसने चर्च में आता है, उसको ज्यादा चौकस रहने की जरूरत है। वचन में लिखा कोई दिया जलाकर बर्तन के नीचे नहीं रखता, इन्हें समझ आई। जो एक पुराने टाइम से देखते हो जब लाइट चले यानी दीवा बाल के और मिट्टी का तेल डाल के रख देना, तो मंजे थले नहीं रख दो, ऊपर रख दो ताकि सारे प्रकाश आए। किन्ने मेरी गल समझ रहे। तो परमेश्वर कह रहा है वचना जानते हो तो प्रकट करने की लड़ है, उस चीज लोगों दसन की लड़ है, सुसमाचार सुनाने की लड़ है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। मतलब परमेश्वर यह चाहता कि आपकी लाइफ से लोग सीखें, वो प्रकाश पाएं। फिर उसने लिखा इसलिए चौकस रहो कि तुम किसी रीति से सुनते हो। क्या सुनते हो, क्या सुनते हो? वचन। चौकस रहो किस रीति से सुनते हो, कि लापरवाही के नाते नहीं सुन रहे कि मैनू आंदा यार मैं सुनया है वचन, या फिर तैयारी के साथ सुनते हो लापरवाही के साथ। इसलिए जो लापरवाही के साथ प्रभु ने पास जो सुनता है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। समझ आ रही है? और जो क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसे वे भी ले लिया जाएगा। इतने मेरी बात को समझ लें। जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसे वो भी ले लिया जाएगा। जो बच्चों को बिल्कुल सुनते ही नहीं है, ना पालना करते हैं, ना समझते हैं, ना उसके पर ध्यान करते हैं कि आज का वचन क्या है, इसलिए वो लोग थोड़े थोड़े रहते हैं, हर समय परेशान रहते हैं, बीमारियों में रहते हैं, डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं,
उन्हें समझ नहीं आती क्या करें, जब प्रॉब्लम आती फोन कर बोलते हैं मेरे लिए प्रेयर करो, लेकिन जो वचन के साथ जुड़े रहते हैं वो ट्रेन होते हैं, उन्हें मालूम होता है इस समय कौन सा वचन मुझे डिक्लेयर करना है, शैतान उन्हें छोड़ के जाता है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा है, टेंट से बाहर है तो मैं आपसे बात करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक वचन निकालो, इब्रानियों की पुस्तक 6 इसे ध्यान से पढ़ना है, अपनी बाइबल की ओर देखो, 6:1-8 तक पढ़ना है हमने। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, मरे हो गए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। 4 में लिखा, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, ये परमेश्वर के वचन के बारे में बात हो रही है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, मतलब पवित्र शास्त्र का वचन का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा की बागी हो गए हैं। 5 में लिखा, और परमेश्वर के उत्तम वचन का आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। सब जन बोलो आमीन। स्वाद चखने का मतलब क्या है? जो परमेश्वर के वचन को असल में जान चुके हैं जो लोग, हालेलुया। जब आपको वचन का टेस्ट ही नहीं मालूम, आप कभी वचन सुनेंगे नहीं। समझ आई मेरी बात? जब आप खाना खाते हैं तो कितना स्वाद लेकर खाते हैं, यार मुझे रायता भी चाहिए, सैलेड भी चाहिए, हरी मिर्च भी दो, एक फुलका और ले आओ, एक चपाती पर घी लगाकर लेकर आओ, आप टेस्ट लेते हैं। समझ आई मेरी बात? आप कभी सोते हैं खाते वक्त, कभी इतना होया कि बिरयानी बनी है बेकार दे चमच पाया मुझे तो सीधा बांध के दिया, होया कभी? क्योंकि आप लोग टेस्ट लेते हैं खाने का, आपको मजा आता है खाने का। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो यहां पर लिखा, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, इक्को बारी ज्योति पाई, जिन्होंने इक्को बारी प्रभु ने जान लिया, दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखे, क्योंकि भाई वचन से लिखा प्रभु ने कहा जो अपना क्रूस उठाकर पीछे की ओर देखता है वो मेरे योग्य नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे? इक्को बारी। अब जब मेरी लाइफ बदली, एक बार बदली, दोबारा नहीं, मैं छाट के प्रभु फिर तो पाप करके फिर तो पाप करके फिर आ रहे हैं माफी मांग के, ऐसा नहीं है। एक बार, और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, जिन्होंने प्रभु ने जान लेता है, आगे लिखा पवित्र आत्मा के बागी हो गए हैं, मतलब पवित्र आत्मा पा चुके हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। 6 में लिखा, यदि वे भटक जाए तो उन्होंने उन्हें मन फिराने के लिए नया बनाना अनहोना है। अगर वो लोग भटक जाए जिन्होंने प्रभु ने देखा जानिया गवाइया देखिया सब कुछ करके फिर तो उठे जाके मथा टेकता, तो उन्होंने फिर बचना मुश्किल ही है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे? क्या करते वो? परमेश्वर के पुत्र नु, कौन है पुत्र? प्रभु यीशु मसीह पर की करते हैं कलंक लगाते हो। और अन्य जाति लोग बोलते तू तो चर्च में गया है तेरा हाल नहीं हुआ, लेकिन आपके जीवन से प्रभु की महिमा होनी चाहिए कि मैं चर्च में गया, देखो आज प्रभु ने मुझे कितना ब्लेस किया है, आशीष किया है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। 7 में लिखा, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है उनके काम का सागपत उपजाती है, वे परमेश्वर से आशीष पाती है, पर यदि वे जाड़ी ऊंट कुटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर वो भूमि ऊंट कुटारे उगाए तो उसके श्रापित, प्रभु बोल रहा है कि वो श्रापित होगी, मतलब अगर आप फल नहीं लेकर आते, जो क्रिश्चियन लोग वचन को सुनते हैं और मानते हैं और फल नहीं लेकर आते और वचन में बने नहीं रहते, आपने क्या बनना है? आपने प्रभु ने कहा 100 गुना फल लेकर आना है, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। कितना को समझ आ रही है मेरी बात? क्या लेकर आना है? फल। फल लेकर आना आपके ऊपर है, यह परमेश्वर के ऊपर नहीं है। आप किस तरह से वचन सुनते हैं? क्या लिखा? चौकस रहो कि तुम कैसे सुनते हो वचन को। कितने समझ रहे मेरी बात को? चौकस रहो। हूं इस पर आने,
इस भरा ने वचन सुनिया एक तरीके ना, उन्हें एक तरीके ना सुनिया। चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो वचनों को। जो तो अच्छी रीति से सुनता है, उत्तम मन से सुनता है, संभाल के रखता है, शैतान को चुराने नहीं देता, संभाल के रखता कि आज का वचन क्या हुआ, वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। और जिसने सुना ही नहीं, जिसने सुना ऊपर ऊपर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लापरवाही देना सुनिया, पूरे दिल ला के नहीं सुनिया, पूरे प्यार ना नहीं सुनिया, पूरे फोकस ना नहीं सुनिया, तो ओदी लाइफ चो ओदा दा ही रिजल्ट आएगा। तो जिन्ना मर्जी कंप्लीट करिए, प्रभु तो मेरी जिंदगी जाने की ताने की था, कुछ नहीं होना। आपको क्या करना है, वचन को ध्यान से सुनना है। क्या कर रहा था वो, टकटकी लगाकर पौलुस के वचनों को सुन रहा था। पौलुस ने देखा इसके अंदर विश्वास है, उठ अपने पांव के बल खड़ा हो जा, और वो खड़ा हो गया प्रभु यीशु मसीह के संबंधी समर्थी नाम। आज लोग विश्वास नहीं दिखाते अपना, विश्वास उन्हें विश्वास नहीं है। विश्वास सुनने से, सुनना कहां से आता है, मसीह के वचनों से। एक वचन निकालने के लिए ना पास्टर निचोड़ा जाता है पूरी तरह, एक वचन को निकालने के लिए। लेकिन लोग जो है वो सीरियस नहीं है, एक वचन को लेने के लिए घुटनों पर आकर ना उसे मालूम होता है कि वो उसने उसकी क्या तैयारी है, क्या प्रिपरेशन है उसकी। और जो जो बंदा उस वचन को ले लेता है, मतलब बीज, आज बीज डाल रहा हूं मैं, परमेश्वर का वचन बीज डाल रहा हूं, कोई मार के किनारे गिर गया, कोई चट्टान पर गिर गया, कोई झाड़ियों पर गिर गया, जिन्होंने वचन को सुना तो सही, पर घर की चिंता, जो मेरे साथ सेवा में थे उनको चिंता पड़ गई, ओहो साडा की बनेगा, मैरिज होएगी या नहीं होएगी, बिजनेस होएगा या नहीं होएगा, क्या होगा। प्रभु ने पत्रस में बोला, प्रभु तेरे पीछे हम चल पड़े हैं, अपने घर बार को छोड़कर, बिजनेस को छोड़कर। प्रभु ने कहा ऐसा कोई भी नहीं है जो अपने घर बार को छोड़े और बिजनेस को छोड़े मेरे पीछे चले और 100 गुना ना पाए। 100 गुना के साथ ब्लेस करने वाला परमेश्वर है, उत्तम 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 बातें बेस्ट देने वाला परमेश्वर है, अगर आपने छोड़ा है उसके लिए तो हालेलुया। और आपके द्वारा परमेश्वर महिमा चाहता कि आपके द्वारा आप बैड एग्जाम्पल ना बने, वो भूमि ना बने जो झाड़ियां उगाती हैं, ऊंट कटारे उगाती हैं। परमेश्वर चाहता कि आप फसल को, फल को लेकर आओ। और फल ही, फल क्या है, अब मेन सीक्रेट क्या है, फल क्या है, फल परमेश्वर का वचन है, समझ आई। और यही वचन अंत के दिनों में छीन लिया जाएगा अगर आप इसकी कदर नहीं करते। यही है, यही फल, हालेलुया। बीज पहले क्या डालते, बीज पहले, फल नहीं मिल रहा आपको, आज मैं बीज डाल रहा हूं, उसके बाद जड़े बनेंगी, फिर पेड़ बनेगा, टाइम लगेगा। धीरज के साथ क्या करना है, जो जल्दबाजी नहीं करता, धीरज के साथ चलता है, संयम के साथ चलता है, पेशेंस के साथ चलता है, धीरज रख के, कोई बात नहीं प्रभु ने मुझे नहीं दिया, लेकिन मैं आड़ा और खड़ा रहूंगा, प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, प्रार्थना नहीं छोड़ूंगा, उपवास नहीं छोड़ूंगा, पवित्रता ही नहीं छोड़ूंगा, बना रहूंगा। प्रभु ने कहा वो है जो अच्छी भूमि पर बोया गया और फल लेकर आया 30 गुना 60 गुना 100 गुना। शुभ मसीह के सामर्थ्य समर्थी नाम में। अगर अभी ऊंचा लंबा है, हालेलुया, अपने दोनों हाथों उठाकर बोलो हालेलुया। आप फल लेकर आने वाले प्रभु यीशु के नाम में, फल आपका हिस्सा होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।